हेलो अलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टुडे एम गोइंग टू एक्सप्लेन विलियम शेक्सपियर्स सोनेट नंबर टू तो इसकी अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं वन फोर्टीज द ब्रो एंड डीपेज इन दायर फील तो यहाँ पर फोर्टी विंटर्स यानी चालीस साल बाद वो कह रहे हैं जब चालीस साल बाद शेल बिसीज बिसीज का मतलब घेराबंदी हो जाएगी द ब्रो ब्रो यानी फोर हेड एक कैसल uh, के साथ कह लें उसको कंपेयर किया गया है एंड डीप ट्रेंचेस ट्रेंचेस का मतलब गहरी खाई खाई यानी यहाँ पे इसको रिंकल्स के लिए यूज किया गया है रिंकल्स पड़ जाते हैं इन दा ब्यूटीज फील्ड अब ब्यूटी फील्ड का मतलब आपकी जो खूबसूरती की फसल है अब यहाँ पे इस, इसको कहा गया यानी कि आपकी यूथ यंग एज में आपकी जो स्किन है आपकी जो बॉडी है आपका जो फेस है वो खूबसूरती की फसल है ठीक है और उसके ऊपर चालीस साल बाद गेराबंदी यानी डार्क सर्कल्स आ जाएंगे फ्रेंडशिप यानी रिंकल्स पड़ जाएंगे एंड डाई यूथ प्राउड लाइब्रे सो ना हेल्थ तो कहते हैं योर आपकी जो जवानी का जो प्राउड लाइब्रे लाइब्रेरी का मतलब यूनिफॉर्म जिस पे आप फख्र करते फिरते हो उतराते फिरते हो बहुत गरूर है आपको अपनी लाइब्रेरी का मतलब यूनिफॉर्म आपकी स्किन जो है यानी कि आप आप हो यंग So, gazed on now, और लोग मतलब उसको देखते नहीं थकते हो। थकतेड वीड ऑफ स्मॉल वर्थ हेल्थ तो उसने फट फूट जाना है टेटेड यानी टूट फूट जाना है खराब हो जाना है जिस तरह एक कपड़ा जो होता है वो फट जाता है वो पहन पहन के वो खराब हो जाता है ना और वो फिर फटने लग जाता है तो इसी तरह आपकी जो स्किन है उसने भी इसी तरह जाना और जिसकी जो वर्थ है वो कम हो जाएगी अभी तो जवानी में आपको खुद को भी आप बहुत पसंद हो लो लोग भी आपकी तारीफ करते हैं खूबसूरती का जो नशा होता है हो, खूबसूरती होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है मध्यम बढ़ने लग जाती है देन देन बींग आस वेर ऑल दाई ब्यूटी लाइज वेर ऑल द ट्रेयर ऑफ दाइलस डेज देन जब इस जवानी की जो शानदार पोशाक जो आपने अभी तो पहनी हुई है और आप हर कोई देखता है उसको तो बुढ़ापे वाली पोशाक में बदल जाएगी यानी कि आपकी जो तो स्किन है वो वो उसके ऊपर से वक्त का पता लगता रहेगा कि आपकी एज जो है बढ़ चुकी है आप जवानी वाले अपने टाइम से निकल जाओगे और उसकी इतनी इम्पोर्टेंस जो पहले थी लोग देख के रश करते थे अब उसकी इम्पोर्टेंस खत्म कम होने लग जाएगी और इससे द भी नहीं जाएगी अच्छा तो यहीं पे यही, यही कह रहे हैं कि जो तो 40 साल बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी जो सारी ऑल द ऑल योर ब्यूटी जो आपकी सारी खूबसूरती थी जो आपके पास खुदा ने दी थी आपको वो कहां गई या आपने पूरी पूरी जिंदगी क्या क्या आपने जवानी कहाँ बिताई उसके साथ क्या किया अपने खूबसूरती के साथ क्या किया फिर ऑल द ट्राइल्स

कहाँ पे बिताए अपनी जवानी के दिन कहाँ बिताए टू से विद इन द इन द sunken eyes were an all eating shame and thriftless praise तो उनको जवाब देने के लिए और मतलब जो आपकी धंसी हुई आंखें हैं गहरी धंसी हुई आंखें वर एन ऑल ईटिंग शेम इसका मतलब होता है सब कुछ खा जाने वाली शर्म और जो थ्रिफलेस प्रेज प्रेज होगी दुनिया को बढ़हापे का बताएंगे के आपने जो अपनी जवानी के दिन थे, तो आप इस बताने के काबिल होंगे हाउ वर मोर प्रेस डिजर्व आंसर दिस फेयर चाइल्ड तो यही कह रहे हैं कि अगर आपने उसको अच्छी जगह इस्तेमाल किया होगा अपनी खूबसूरती को किसी अच्छे काम में तो आप कह सकते हो कि मैंने अपनी सारी जवानी में ये काम किया और ये उलाद, ये ये है और ये औलाद ये बच्चा मेरा है और कि यानी मैंने अपनी जो जवानी है वो इसके लिए वक्फ की मैंने इस बच्चे को पाला है, अपनी औलाद को पाला है मेरी औलाद है और मैंने उसको अपनी जिंदगी को वेस्ट नहीं किया बल्कि इसको पैदा करने उसकी अपब्रिंगिंग में उसको देने में अपनी जो ब्यूटी है उसमें ट्रांसफ़र की है अपनी आ, मेरा ये सक्सेस ही है, या यानी मेरी जो सारी खूबसूरती थी मैंने इसमें मुंतकिल की मैंने इसकी इसकी ऐसे परवरिश की और मैंने अपना वक्त इसको दे दिया है क्योंकि वक्त से बड़ा कोई फातह नहीं है कोई कंकरण नहीं है क्योंकि वक्त है, उसने बदलना है अब हमारे हाथ में हम हम उसको कैसे यूज करते हैं कंज्यूम करते हैं तो यहां पे एक भी है कि, कि आप जब जवान होते आप जब बूढ़े हो रहे होते हो तो आप अपने औलाद को देख के खुश होते हो कि ये मेरी औलाद है कि ये मेरा सरमाया है क्योंकि हर चीज पर वक्त ने तो चले जाना है लेकिन आपके बाद भी आपके पीछे आपके औलाद रहती है औलाद आ जाती है तो वो बता रहे होते कि ये थे ये ये हैं, वो जिनके ऊपर हमने लुटाया ना के वो बंगला गाड़ी, घर वगैरह ये सब कुछ मेंटर नहीं कर रहा होता आपके बच्चे आपका सबसे बड़ी सयन है और वो आपकी ब्यूटी की भी सयन होते हैं जब वो जवान होते हैं तो वो वो बता रहे थे कि हमने अपनी जवानी जो है इनके ऊपर लगा दी और हमने इनमें ट्रांसफर कर दिया दिस वर्ड बी न्यू मेड वेन दाओ आर ओल एंड सी दाय ब्लड वॉर्म वेन दाओ फील्स इट कोल तो वो क्या कहते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाओगे जब जब आप दो आर ओल जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको इस तरह फील होगा कि आप दोबारा से पैदा हुए न्यू मेड हो आप क्योंकि जब जब इंसान के बच्चे होते हैं ना तो उनको देख के हम बच्चे बन जाते हैं जब वो जवान होते हैं तो वैसे ही लगता है कि हम अपनी जवानी के दिन गुजारे जब जिस तरह जिस तरह वो बड़े होते जाते हैं हम उनके साथ खुद भी बड़े होते हैं तो वो यही चीज बताइए कि जब आप जब बूढ़े हो जाओगे तब तो अपने बच्चों की पर, बच्चों को बड़ा होते देखोगे जवान जवानी के उस टाइम पे देखोगे उस पीरियड पे उस उस टाइम स्पैन में देखोगे उनकी खूबसूरती को देखोगे जो आप अब वो चालीस साल पहले हो तो आप कह सकोगे कि आपको उस टाइम अपना बुढ़ा महसूस नहीं होगा बल्कि वैसे यंग महसूस करोगे जिस तरह आपका उस टाइम पे बच्चे होंगे और जो आपका खून है अब ऑब्वियसली इंसान जब बुरा होता है तो वो इंथूजिया भी नहीं इतना रहता उसकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है फिजिकली एज इफेक्ट और टाइम इफेक्ट सब कुछ होता है लेकिन जो आपका खून कुछ ना करने का आपका दिल नहीं करता वो कोल्ड हो जाते हो आप तो जब अपने बच्चों को देखते हो अपने चाइल्ड को देखते हो तो वो जब वैसे गैस वगैरह होता है ना तो उनको देख के उनको खुशी को देख के आपके अंदर भी जो गर्माइश है वो पैदा होती है यानी आप भी वार्म फील करते हो तो वो यही बात करें कि इसी तरह जैसे आप दोबारा पैदा हो गए हो और जो आप एक ठंडे पड़ने लग जाते हो तो आप में भी वैसे जोश आने लग जाता है उनको देख देख के ही खुशी महसूस करने लग जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर द एक्सप्लेनेशन लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर इट थैंक यू